हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है छठ पूजा का डे टू और डे वन था हमारा लायक है। आज है डे टू जो कि है खरना। तो डे वन में क्या होता है कि हम मतलब जो भी व्रती होती हैं वो अपने आप को शुद्धिकरण करती हैं, साथ ही खाना ग्रहण करती हैं जिसमें बनता है हमारा कद्दू भात, चावल और चने की दाल। और उसके बाद आज डे टू है जिसमें आज खरना है और खरना में शाम में बनेगी गुड़ की खीर। और दिन भर जो भी व्रती छठ का संकल्प लिए हैं वो मतलब दिन भर व्रत में रहेंगे और अन्न जल और फल जो भी सब कुछ है वो त्याग कर देंगे, एकदम फास्ट रहेंगे प्रॉपर। और शाम में गुड़ की खीर बनेगी और उसे ग्रहण करके वो व्रत का संकल्प लेंगे दूसरे दिन का। आज तो मतलब वो शाम में गुड़ की खीर खाएंगे और फिर उसके बाद उनका 36 घंटे का नीराजल व्रत स्टार्ट हो जाएगा और जो कि डे थ्री डे फोर तक चलेगा। तो डे थ्री में शाम में अर्घ देंगे सूर्य भगवान को डूबते हुए और डे फोर में उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो उसका मैं प्रॉपर डिटेल डे थ्री और डे फोर वाले ब्लॉग में बता दूंगा अच्छे से आपको। सो आज डे टू है जो कि खरना है। सो अभी थोड़ी देर में मम्मी आने वाली है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, वो नहा चुकी गंगा जल वगैरह डाल के, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी तो है नहीं हमारे आसपास, गांव में तो गंगा जी है तो सब वहीं पे जाते हैं और वहीं पर नहा धोकर पूरा सब अपने आप को शुद्ध करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और तो अभी हम थोड़ी देर में फिर मार्केट जाएंगे, सो आपको मार्केट का भी हम व्यू दिखाएंगे। तो जय छठी मैया, और हमारे ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए। हमारे पुराने ब्लॉग भी है, आप वो भी देख सकते हैं छठ के। तो थैंक यू सो मच, बी कंटिन्यू इन दिस ब्लॉग। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार, डूब तो सूरज के जी पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। पक्का 5 दर्जन है ना? पक्का 5 दर्जन है, नहीं ज्यादा नहीं मिल जाएगा, कम नहीं मिलेगा। केला लेने के बाद हम चल दिए और फल खरीदने, और हमने यहाँ लिया गन्ना जो कि हमें पड़ा यहाँ पर एक पीस 20 रुपये का, और हमने टोटल लिए 5 गन्ने क्योंकि हमें इस बार कोसी भरनी है। सो यहाँ पे गन्ना हमने लिया और गन्ना यहीं रखवा दिया था। सो यहाँ पे अभी मम्मी सिलेक्ट कर रही है गन्ना अपने हिसाब से। हाँ
जहाँ पे मम्मी मुझे गन्ने पकड़ाए जा रही थी, मैं पकड़ के एक साइड खड़े होते जा रहा था। पतला है तो। जो गन्ने ठीक थे वो हम एक साइड रखते जा रहे थे, जो नहीं ठीक लग रहे थे उसको हम हटा दे रहे थे। ठीक नहीं है गन्ने, यहाँ पे गन्ने ठीक थे, हरे पत्ते थे, काफी अच्छे थे, मतलब फ्रेश थे गन्ने। ये नहीं था कि मतलब काफी दिन से आ रखे हैं सूखे सूखे से, तो ठीक थे। यहाँ पर हमें सही गन्ने मिल गए थे। इसके बाद हम आ गए और फल खरीदने। इन अंकल से लिए यहाँ पर संतरा, और इसके बाद संतरा लेने के बाद हम अंदर चल गए। यहाँ एक पार्क है छोटा सा, यहाँ पर सारे फ्रूट्स, फल, दौरा, सूप वगैरह ए टू जेड सामान मिल जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने लिया नाशपाती, गागल, यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके यहाँ थोड़े फल ठीक हैं और क्या क्या रेट है यहाँ का, क्योंकि हमारे घर के बाहर भी लगता है मार्केट। सो यहाँ पर हम इसलिए आते क्योंकि यहाँ पे हमें ए टू जेड सारा सामान मिल जाते है एक ही जगह से। हमारे मार्केट में ही मिल जाता है, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो बाई चांस नहीं मिल पाती हैं, तो हम अपने घर के वहाँ से भी लेते हैं, बट यहाँ पर एक बार चक्कर तो ज़रूरी लगा लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए गाइस कितने सारे फल फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, अदरक आदि, ये हरे हरे जो पत्ते हैं मम्मी सेलेक्ट कर रही हैं, अदरक आदि है, हल्दी है और नारियल है यहाँ पर, सुथनी, गागर, यहाँ पे हमने ले लिया हल्दी और अदरक। और इसके बाद मम्मी ने और भी फल लिए, तो आप ब्लॉग में यही ऐसी कंटिन्यू रहिए। तो मम्मी क्या क्या मार्केट से ले आए अभी तक? अभी सब सामान आ गए, मूली रह गया है, पान के पत्ता रह गया है, फूल रह गया है और कोसी रह गया है, गोला रह गया है। तो क्या क्या दिखाओ, क्या क्या लाए हो अभी? सब है, शरीफा है, अनारस है, ये थी है, कनम है, आदि है, अदरक है और चावल है। अभी तो काफी फल फ्रिज में भी रखा हुआ है ना, और कनम है, खीरा है, अनार है, संतरा है, सेब है, गागल है, अनारस है, केला है, इसमें केला है, थैला में ना, हाँ। ये गन्ना आ चुका है, गन्ना है। वैसे तो मैं भी मार्केट गया था पर मम्मी से मैं बुलवा रहा हूँ जानबूझ के। चलो अभी तो काफी फल फ्रिज में रखा है ना, सेब वगैरह। अभी ये पूरा अभी इसको धोएंगे, छैटी में रखेंगे तो ये एकदम भर जाएगा घर एकदम थोड़ी देर में। पेपर लेना होगा है। सास सासुरा
यहाँ पर छठ माता के गीत गाने के बाद अब मम्मी करने जा रही है पूजा की तैयारी। सो अब मम्मी रेडी हो चुकी हैं थोड़ी देर में, और ये देखिए हमारी मम्मी रेडी हो चुकी हैं। सो ये अब मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं, नैवेद्य निकालेंगी खरना का, जिसमें रोटी खीर जो भी प्रसाद बना होगा वो निकाला जाएगा प्रसाद के तौर पे, और फल वगैरह रखा जाएगा। अब वही व्रती जिसने व्रत करा होगा वो वह ग्रहण करेगी और आज का व्रत तोड़ेगी, और इसके बाद 36 घंटे का व्रत प्रारंभ होगा। छोटी छठी मैया हमनी से व्रत दो हार, हमनी से व्रत दो हार, तहरी भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ। छठ के त्योहार।